गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई अनिल कुमार रॉय वेलकम यू टू ज्ञान ज्योति ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी द सेम इंग्लिश ग्रामर व्हाट आई हैव टॉट द बिफोर द टू चैप्टर्स। नाउ वी विल स्टडी द थर्ड चैप्टर, दैट इज द नेम ऑफ द चैप्टर इज नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके स्टूडेंट्स, सो वी विल रीड अबाउट द एक्सरसाइजेस। We have already completed the video of that chapter, but now we will study about the exercises. Okay, students. So please take while watching this video, please take out your textbooks. Then only you can you will be able to understand that what I am teaching. Okay, students. Then the first in the exercise section, the first one is learn. Tick the correct sentences and cross the incorrect ones, students. As I have told you that what is the meaning of sentence is a group of meaningful words which makes correct sense is called a complete sentence. Okay students, so what are the sentences? So we have to read and we have to tick mark or make a cross mark to make the sentences correct or incorrect. Okay students, so first of all, first one I am reading, I not like to read story books. So these are some of the sentences. So is it correct? I not like to read story books. No, I do not like to read story books. That would have been a right sentence. ठीक है बच्चों, देखो बच्चों मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि negative sentences में जो पहला exercise का जो पहला section है learn, उसमें ये पूछा गया है कि जो sentences वहाँ पे हैं, 12 sentences हैं total, उसमें क्या है, मतलब उसमें कौन सा सही sentence है, कौन सा गलत sentence है, वो यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले आई नॉट लाइक टू रीड स्टोरी बुक, क्या हुआ बच्चों, ये गलत है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रॉस मार्क करेंगे, ठीक है बच्चों। देन दूसरा सेंटेंस है बच्चों, बिनीता डज नॉट प्ले विद मी, बिनीता मेरे साथ नहीं खेलती है। तो ये बच्चों एक राइट सेंटेंस है, तो इसको हम क्या करेंगे, टिक मार्क करेंगे। फिर बच्चों देखो उसके बाद तीसरा जो है, द माइस डू नॉट रन आफ्टर द कैट, तो माइंड डू नॉट रन आफ्टर द कैट, ये भी जो उसका जो सेंस है वो गलत है, तो इसको हम क्रॉस मार्क करेंगे, ठीक है बच्चों। तीसरा नंबर भी जो है वो है गलत। चौथा नंबर, हरी डज लाइक नो मैथ्स, ये भी हरी डजंट लाइक मैथ्स होगा, नो मैथ्स वो सही वर्ड नहीं है, तो उसको भी हम क्रॉस मार्क करेंगे, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद नंबर फिफ्थ, वी डू नॉट ईट मीट, हम मांस नहीं खाते हैं, तो ये जो सेंटेंस है ये सही है, तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों, टिक मार्क करेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद नंबर सिक्स, आई डू नॉट लाइक स्पिनच, बच्चों स्पिनच का मतलब क्या होता है, स्पिनच का मतलब होता है पालक। आई डू नॉट लाइक स्पिनच मीन्स मेरे को पालक पसंद नहीं है, तो ये हो जाएगा नंबर सिक्स, ये राइट आंसर होगा, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद नंबर सेवन, दे डू नॉट गो आउट मच, दे डू नॉट गो आउट मच मीन्स वो ज्यादातर बाहर नहीं जाते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों नंबर सेवन। तो मैंने यहाँ लिखा है विलिंग में, ये हो गया राइट वन, ज्यादातर लोग वो बाहर घूमने नहीं जाते हैं। फिर बच्चों उसके बाद नंबर एट में है, पूजा नो नॉट स्विमिंग, पूजा डजंट नो स्विमिंग, वो राइट वर्ड होगा, राइट सेंटेंस होगा, लेकिन यहाँ जो है पूजा नो नॉट स्विमिंग वो गलत है, तो ये होगा एट नंबर क्रॉस मार्क, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो, आई डू नॉट प्ले द गिटार डेली, नंबर नाइन, ये सही बात है, ये सही होगा, मैं हर दिन गिटार नहीं खेलता, तो यहाँ हम क्या करें बच्चों, टिक मार्क करेंगे। फिर बच्चों देखो नंबर टेन, गौतम नॉट सिंग डज वेल, ये क्या है, ये गलत है, गौतम डजंट सिंग वेल होगा, तो ये जो आठवां नंबर है, सॉरी जो दसवां नंबर है वो गलत होगा। फिर बच्चों देखो ग्यारहवा और बारहवा आखिरी है, इसमें हम क्या करेंगे, आई डू नॉट वॉच कार्टून शोज मीन्स मैं कार्टून शोज ज्यादातर नहीं देखता हूँ, तो ये एक सही सेंटेंस होगा। फिर बच्चों आखिरी वाला, माई फादर डज नॉट लाइक नूडल्स, मेरे पिताजी जो है वो नूडल्स खाना पसंद नहीं करते हैं, तो वो भी सही होगा। तो बच्चों ये सब जो है, देखो ये 12 सेंटेंस में आपको पता चल गया होगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है बच्चों। फिर हम आगे बढ़ेंगे, अभी बच्चों अभी हम नेक्स्ट इससे आगे बढ़ेंगे, हम लोग प्रैक्टिस का जो पहला सेक्शन है, ए चूज द करंट ऑप्शन, बच्चों मैंने यहां ऑप्शन भी लिखा है, मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं, देखो ये है
पेज नंबर 16 का, यहाँ पे हम पढ़ेंगे अभी चूज द करेक्ट ऑप्शन। चार वर्ड दिए गए हैं, उसमें से हमको ही करना है। पहला वाला है सोनू डैश सरप्राइज्ड। तो यहाँ बहुत सारे चार ऑप्शन है, एक है डू नॉट, दूसरा है डज नॉट, और एक है इज नॉट, और चौथा है एम नॉट। तो बच्चों यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सोनू ऑप्शन नंबर सी, सोनू इज नॉट सरप्राइज्ड। सोनू के बाद इज नॉट सरप्राइज्ड सबसे राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो मीनास डैश एन इंडियन, मीनास डैश एन इंडियन। तो यहां भी बच्चों चार ऑप्शंस हैं, डू नॉट, डज नॉट, इज नॉट, एम नॉट। तो बच्चों यहां पे क्या होगा, मीनास इज नॉट एन इंडियन, मतलब मीनास एक इंडियन नहीं है। इंडियन हम जिसको बोलेंगे बच्चों, जो हम इंडिया के देश के लोग हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंडियन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो तीसरा डैश ओपन द विंडो। यहाँ पे देखो बच्चों चार ऑप्शन है, डू नॉट, डज नॉट, एम नॉट, इज नॉट। तो डू नॉट ओपन द विंडो, हम क्या किसी को बोल रहे हैं कि तुम डज नॉट ओपन द विंडो, हमने वो वर्ड का यूज नहीं हो सकता है। तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, डू नॉट ओपन द विंडो। ठीक है बच्चों, देखो उसके बाद दीपक डैश प्लेस फुटबॉल। तो बच्चों इसका आंसर होगा दीपक डज नॉट, दीपक के सामने डज लगेगा। ठीक है बच्चों, उसके आगे, उसके बाद बच्चों देखो तो पेंटिंग डैश ब्यूटीफुल। यहाँ पे चार ऑप्शन है बच्चों, देखो डू नॉट, इज नॉट, डज नॉट, एम नॉट। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, पेंटिंग क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग्स है, तो उसके सामने हम लोग इज लगाएंगे, तो पेंटिंग इज नॉट ब्यूटीफुल। फिर बच्चों आगे वाला देखो नंबर 6, अब्दुल एंड इमरान डैश ब्रदर्स। तो यहाँ पे अब्दुल और इमरान दो भाई का नाम है वहां पे। तो हमको यहाँ क्या करना है, देखो यहाँ पे चार ऑप्शन है, डू नॉट, इज नॉट, डज नॉट, आर नॉट। तो ये क्या होगा, आर नॉट, आर नॉट ब्रदर्स। ठीक है बच्चों, ये हो गया नंबर 6, और 6 हम लोग अभी करेंगे। नेक्स्ट बच्चों देखो हम आएंगे नंबर 7 में, दिस करी डिश टेस्टी, दिस करी डिश टेस्टी। यहाँ पे देखो बच्चों चार ऑप्शन है, डू नॉट, डज नॉट, इज नॉट, और एम नॉट। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, 7 का ऑप्शन सी, द करी इज नॉट टेस्टी। ठीक है बच्चों, ये हो गया करी इज नॉट टेस्टी। फिर दिस क्लॉक डैश शो द करेक्ट टाइम, नंबर 8 में आएंगे हम लोग, दिस क्लॉक डैश शो द करेक्ट टाइम। यहाँ भी चार ऑप्शन है बच्चों, वही है, डू नॉट, डज नॉट, एम नॉट, इज नॉट। बच्चों देखो यहाँ पे जितने भी मतलब ऑप्शन दिए गए उसमें चार ऑप्शन कॉमन है, एक ही चार ही ऑप्शन है हर किसी सेंटेंस में, डू नॉट, डज नॉट, इज नॉट, एम नॉट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस क्लॉक डज नॉट शो द राइट टाइम, ये हो जाएगा बच्चों डज नॉट। फिर बच्चों जब उसके बाद रेबेका डैश लाइक स्वीट्स, यहाँ हो जाएगा बच्चों रेबेका डज नॉट लाइक स्वीट्स, ये हो जाएगा डज नॉट, डज नॉट लाइक स्वीट्स। फिर बच्चों देखो शर्मास डू नॉट लिव हियर एनीमोर, ये हो जाएगा बच्चों डू नॉट। एलिफेंट्स डू नॉट ईट मीट, एलिफेंट्स क्या होते हैं बच्चों, एलिफेंट मतलब हाथी, जो वो शाकाहारी होते हैं वो नॉनवेज नहीं खाते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो सबसे आखिरी वाला जो वाटर डज हैव एनी कलर, वाटर डज नॉट हैव एनी कलर। ठीक है बच्चों, ये खत्म हो गया यहाँ पे, फिर हम लोग इसे आगे बढ़ेंगे ऑप्शन बी में। ठीक है बच्चों, देखो अभी नेक्स्ट है जो बी में वो हम देखेंगे अभी, अरेंज द वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक सेंटेंसेस। जो सेंटेंसेस के जो वर्ड्स है उसको क्या है, वो जंबल्ड में दे दिया है, मतलब आगे पीछे करके दे दिया गया, उसको हमको राइट वे में सजाना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। सबसे पहला वाला देखो बच्चों, कम प्रतीक डस टू अस नॉट विथ वांट, ये क्या बच्चों, ये कोई सेंटेंस नहीं है,
ऑब्लिक मार्क देके अलग अलग वर्ड दिया गया है, ठीक है बच्चों। कम प्रतीक डस टू अस नॉट विथ वन, तो इसको बच्चों क्या हम लोग क्या अभी राइट सेंटेंसेस लिखेंगे। अब जितने भी सेंटेंसेस है उसके राइट आंसर मैं अभी आपको बोर्ड में लिख के दिखाऊंगा। तो पहला वाला होगा प्रतीक डज नॉट वांट टू कम विथ अस, फिर बच्चों देखो सेकंड वाला जो है वो आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो है रोस्मिता इज नॉट माई कजिन, देखो बच्चों ये भी जो है ये बुक में क्या दिया गया है इज माई कजिन नॉट रश्मिता, ठीक है बच्चों। ये जो है राइट वे में नहीं दिया गया है, इसको जमबट करके दिया गया है आगे पीछे करके, तो उसको हम यहाँ पे राइट वे में बना रहे हैं। देखो बच्चों जब भी आप जमबट सेंटेंसेस को सही सेंटेंसेस बनाते हो तो उसका कोई ट्रिक नहीं है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, उसको क्या आपको ये दिमाग लगा के करना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज नंबर फोर, द कंप्यूटर इज नॉट ए यूजफुल डिवाइस, द कंप्यूटर इज नॉट ए यूजफुल डिवाइस। नंबर फाइव, माई ग्रैंडफादर माई ग्रैंडफादर कैनॉट वॉक विदाउट सपोर्ट, विदाउट सपोर्ट। ये बच्चों इसका मतलब क्या बच्चों कि मेरे जो दादाजी हैं वो बिना सपोर्ट के नहीं चल पाते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ लिखेंगे अभी फाइव के बाद, नंबर जो है फिफ्थ सिक्स, डू नॉट वेट फॉर मी, मेरे लिए कोई वेट मत करो, ठीक है बच्चों। देखो ये जो है बुक में क्या दिया गया है डू फी मी फॉर नॉट वेट, तो ये क्या है राइट नहीं है, तो इसको हम अभी राइट सेंटेंस राइट वे में सेंटेंस कंप्लीट करें। फिर बच्चों नंबर सेवन, ही डज नॉट कुक, नंबर एट दे डू नॉट लाइक रीडिंग, रीडिंग कॉमिक बुक्स, ठीक है बच्चों। उसके बाद आई डू नॉट लव जर्मन, I do not like German. फिर बच्चों देखो उसके बाद नंबर टेन में है, सारा इज नॉट माई सिस्टर, नंबर इलेवन वी डू नॉट ईट आइसक्रीम्स इन विंटर,
वी डू नॉट ईट आइसक्रीम्स इन विंटर। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद नंबर 12, जॉन डज नॉट नो मी। मतलब बच्चों जॉन मुझे नहीं पहचानता है। वी डू नॉट ईट आइसक्रीम्स इन विंटर, मतलब हम विंटर सीजन में आइसक्रीम नहीं खाते। ठीक है बच्चों, ये सब हो गया, जितने भी जंबल सेंटेंसेस है उसको हम राइट वे में यहाँ पे लिख चुके हैं। ठीक है बच्चों, सारे नॉट माय सिस्टर, वी डू आई डू नॉट लर्न जर्मन। तो ये सब के बाद बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब समझ पाओगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे इसे आगे नंबर सी में, चेंजेस पॉजिटिव सेंटेंसेस। ठीक है बच्चों, अभी देखो हम नंबर सी में आएंगे। नंबर सी का क्वेश्चन क्या है, चेंज दिस पॉजिटिव सेंटेंसेस टू नेगेटिव सेंटेंसेस, मींस जो यहां पे पॉजिटिव सेंटेंसेस है उसको हम नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों उसके लिए क्या होगा, देखो बच्चों मैं जब क्लास में आपको पढ़ाया था तब वहां पे एक रूल था डू और डस का यूज कैसे करना। तो बच्चों मैं फिर से आपको बता रहा हूं, डू इज यूज्ड विद आई वी यू एंड दे। डू का इस्तेमाल कैसे होगा बच्चों, आई वी यू और दे में इस्तेमाल होगा। ठीक है, देन डज इज यूज्ड विद ए सिंगल लिविंग वर्ड, जैसे कि ही शी और इट, ही शी और इट ये प्रोनाउन है, यहाँ पे ही शी और इट में यूज होगा डज। और डू क्यों होगा, एंड मोर देन वन लिविंग वर्ड, एक से ज्यादा अगर कोई है तो वहां पे डू यूज होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला वाला देखो बच्चों, मैंने लिख दिया है आंसर, तीनों का आंसर यहाँ लिखा हुआ है, कुशाग्र गोज टू ऑफिस एट 9 AM। इट मींस कुशाग्र जो है, जो लड़का है, जो आदमी है, वो ऑफिस जाता है सुबह 9 बजे। ठीक है बच्चों, इसके बाद कैसे होगा देखो, कुशाग्र डज नॉट गो टू ऑफिस एट 9 AM, मींस वो ऑफिस नहीं जाता है सुबह 9 बजे। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखो डज नॉट, ये हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव। उसके बाद बच्चों नंदिनी स्पीक्स फ्रेंच, फ्रेंच क्या है बच्चों, एक फॉरेन लैंग्वेज है, विदेश का लैंग्वेज है, तो यहाँ पे क्या होगा, नंदिनी डज नॉट स्पीक फ्रेंच। उसके बाद बच्चों बेन इज माय पेट, बेन जो है मेरा पेट है, जैसे बच्चों आपके घर में कोई पेट होगा, कोई कुत्ता होगा, बिल्ली होगा, खरगोश होगा, ठीक है, तो ये सब क्या होगा, बेन इज नॉट माय पेट। ठीक है बच्चों, ये हो गया तीन, को मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ दे दिया हूँ, फिर इसका मैं अभी आपको डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखूंगा। ठीक है बच्चों, नंबर फोर का जो देखो बच्चों क्वेश्चन है, अंकिता राइट्स ब्यूटीफुल पोएम्स। ठीक है बच्चों, अंकिता राइट्स ब्यूटीफुल पोएम्स, तो इसका आंसर होगा अंकिता डज नॉट राइट ब्यूटीफुल पोएम्स। ठीक है बच्चों, डज नॉट यहाँ पे लग रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने जो बोला था डज और डू का डिफरेंस। ठीक है बच्चों, इसके बाद आई डू नॉट टेक बैन, आई डू नॉट टेक बैन फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। इसका क्वेश्चन है बच्चों, आई टेक बैन फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, ये आपको कोई पेट हो सकता है, आई के यहाँ पे डू नॉट लग देते वो पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाएगा। फिर बच्चों देखो नंबर 6, माई ग्रैंड मदर डज नॉट गो टू द टेम्पल एवरी डे, माई ग्रैंड मदर गो टू द टेम्पल एवरी डे, हर दिन मंदिर जाती है मेरी दादी माँ जो है, तो यहाँ पे हो जाएगा डज नॉट।
नंबर सेवन बच्चों देखो फिर नंबर सेवन में आएंगे हम लोग। दिया नो हाउ टू मेक ए पेपर एनवलॉप, दिया को पता है पेपर एनवलॉप कैसे लगाते हैं, तो हम बनाते हैं। उसके बाद यहाँ क्या होगा, दिया डज नॉट पेपर एनवलॉप। फिर बच्चों और तीन है, 8, 9, 10 वो मैं भी आपको इस्तेमाल भी दूंगा। ब्रेड मिसेस खरे इज नॉट आवर साइंस टीचर। मिसेस खरे इज आवर साइंस टीचर, यहां पे हम इज नॉट लगा देने से ये हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। फिर उसके बाद आशू एंड निशु आर माई फ्रेंड्स, आशू एंड निशु बच्चों देखो इसका सबसे आखिरी वाला, दे गो टू स्कूल बाय बस, तो यहां पे क्या लगेगा बच्चों, दे के सामने डू, दे डू नॉट गो टू स्कूल बाय बस। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा दे डू नॉट गो टू स्कूल बाय बस, ये हो गया खत्म यहां पे। इसका हम लोग सबसे आखिरी वाला करेंगे अभी। ठीक है बच्चों, बच्चों सबसे आखिरी वाला जो है ऑप्शन डी, मेक नेगेटिव सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, यूजिंग द हिंट्स गिवन इन ब्रैकेट्स। बच्चों यहाँ ब्रैकेट्स में देखो, यहाँ मैं पांच एग्जांपल यहाँ पे लिख चुका हूँ, मैं पांच एक्सरसाइज के पांच नंबर, उसमें ब्रैकेट में दिया गया है कुछ कुछ वर्ड्स, उसका हम नेगेटिव बना के पूरे सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहला वाला है आई ब्रैकेट में रीड फेरी टेल्स, तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा बच्चों, आई डू नॉट, आई के सामने डू लगेगा, डू नॉट रीड। ठीक है बच्चों, हमको जो वर्ड ब्रैकेट में दिया उसी हिसाब से इसको लिखना है, आई डू नॉट रीड फेरी टेल्स। फिर उसके बाद बच्चों देखो नंबर टू, द गर्ल इन द येलो ड्रेस डैश फ्रेंड, The girl in the yellow dress is not my friend। फिर बच्चों देखो सबसे नंबर नेक्स्ट वाला जो है, I dash have another pencil, तो आई के सामने जैसे मैंने बोला था डू लगेगा, आई डू नॉट, आई डू नॉट हैव अनदर पेंसिल। फिर उसके बाद बच्चों देखो नंबर फोर, आई डैश वॉच कार्टून चैनल्स, आई डू नॉट वॉच I do not watch cartoon channel। फिर बच्चों के बाद birds have teeth, birds भी है plural, ऐसे हम वहां पे क्या लगाएंगे do लगाएंगे, birds do not have, birds के बच्चों क्या होते हैं दांत नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूज हो जाएगा birds do not have teeth। फिर बच्चों नेक्स्ट हम करेंगे अभी, ठीक है बच्चों नेक्स्ट जो है नंबर सिक्स, नंबर सिक्स है वी डैश गो, गो जब हम यहां ब्रैकेट में गो टू स्कूल ऑन मंडे,
नंबर सेवन, बच्चों देखो नंबर सेवन, जॉन ए गुड स्विमर, अमरेट बच्चों माय बर्थडे डैश फॉग्स ऑन 16 जून, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो नंबर एट का, नंबर नाइन, पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। नंबर सिक्स का देखो बच्चों, वी डैश गो टू स्कूल, वी डू नॉट गो टू स्कूल ऑन मंडे। ये बच्चों वी के सामने जैसे मैं आपको बोला डू लगता है, वी डू नॉट गो टू स्कूल ऑन मंडे। फिर बच्चों देखो, जॉन इज नॉट ए गुड स्विमर, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो, माय बर्थडे डजंट फॉल ऑन 16 जून, ठीक है। देखो फिर नंबर नाइन, वी डैश इन द क्लास, यहां पे क्या लिखा था, वी डू नॉट, वी के सामने डू लगेगा, डू नॉट शाउट। सवाल बच्चों नंबर टेन, माई सिस्टर यहां पे ब्रैकेट में है, टॉलर देन यू, माई सिस्टर इज नॉट टॉलर देन यू, ठीक है बच्चों। देखो फिर इसके बाद आखिरी जो है दो करेंगे अभी, सुमति मदर डैश, उसके बाद पीछे से नंबर ठीक है बच्चों। देखो फिर उसके बाद नंबर ट्वेल्व, सबसे पहले हम नंबर इलेवन करेंगे, आई डैश मैंगोस, नंबर जो 11 है बच्चों देखो उसको हम पहले करेंगे, सुमति मदर डज नॉट टीच, यहां डज लगेगा, टीच इन अवर स्कूल, आई डू नॉट, आई के सामने लगेगा तो जो आपको पता है डू नॉट लव मैंगोज, मैंगोज पसंद नहीं है, ठीक है बच्चों। ये हो गया ये चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 नेगेटिव सेंटेंसेस। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये सब पसंद आया होगा, और मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जब भी आप एक्सरसाइजेस करें, वीडियो देखें, बुक आपके पास होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो यही मैं अपना वीडियो यहाँ एंड करता हूँ, थैंक यू बच्चों, गुड बाय।